यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या इसका पार्ट इंडिया भी बनने वाला है? नमस्कार, मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं न्यूज वन टुडे। यूएनएससी क्या है? यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि यूनाइटेड नेशंस का एक अभिन्न और महत्वपूर्ण अंग है। यूनाइटेड नेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें दुनिया भर के 192 देश आते हैं, जिसमें से इंडिया, चाइना, रशिया, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश शामिल है। और यूएनएससी इस यूनाइटेड नेशंस का एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप इतना समझ लीजिए, एक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। यूनाइटेड नेशंस का काम करने के कुछ तरीके हैं, कुछ स्तंभ हैं, यानी कि वर्ल्ड की पीस के लिए काम करना, ताकि वर्ल्ड वॉर जैसे बड़े इवेंट्स कभी ना हो और लोग अपनी जान ना गंवाएं और देश देश तबाह ना हो। ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि हमारे जो रिसोर्सेज है उसको क्लियरली और सेफली यूज करना, ताकि हम उनको अपने आने वाले जनरेशन तक पहुंचा पाए। प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड रिफ्यूजीज, डिजास्टर रेवोल्यूशन, उसी के साथ साथ मिटिगेशन, यानी दुनिया भर का कोई भी काम करना जिसके अंदर लॉस और हार्म कम से कम हो, उसी के साथ साथ काउंटर टेररिस्ट, और उसी के साथ साथ डिसआर्ममेंट, जिसका मतलब है बिना आर्म्स और वेपन्स के किसी भी चीज़ को रिड्यूस कर देना या किसी भी इवेंट को रिड्यूस कर देना। साथ ही साथ नॉन प्रोलिफिकेशन, यानी कि किसी भी कंट्री को न्यूक्लियर बम बिना यूएन की जानकारी से टेस्ट या फिर तैयारी करना, यानी कि अब किसी भी कंट्री को रोकना ताकि वो अपने न्यूक्लियर बम्स टेस्ट या फिर बना ना सके बिना यूएन की जानकारी के। कुछ इस प्रकार के डिपार्टमेंट्स है और कुछ इस प्रकार के काम है जो यूएन करता है वर्ल्ड के अंदर पीस बनाए रखने में। यूएनएससी का मेंबर इंडिया बनने जा रहा है और आज अमेरिका इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, बट पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स और जानने वाले जानते हैं कि अमेरिका ने आज तक किसी कंट्री की हेल्प नहीं करी बिना अपना मतलब देखे। सूत्रों के हवाले से एक खबर चल रही है कि इस बार G20 के अंदर चाइना और रशिया के लीडर्स पुतिन और शी जिनपिंग इसलिए नहीं आए क्योंकि चाइना रशिया को प्रोटेक्ट कर रहा है यूक्रेन वॉर के वाद और विवादों में, और रशिया भी नहीं आना चाहता वर्ल्ड के आगे यूक्रेन वॉर को लेकर। रशिया पर अमेरिका की तरफ से कई भिन्न भिन्न तरह के टैक्स और इम्पोजेस लगा दिए गए हैं, यानी कि इस यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया के ऊपर काफी टैक्स लगा दिए गए हैं और यूएन की तरफ से भी उनको फोर्स बैक देखने को मिल रहा है। अमेरिका और यूनियन नेशन ये जानता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबर्स और प्रेसिडेंट ये दोनों देश भी हैं, यानी चाइना और अमेरिका, और अमेरिका का राइवल चाइना है इकोनॉमिकली भी और पॉलिटिकली भी, और रशिया अमेरिका के आइडियोलॉजी से हमेशा से अलग रहा है, जिसकी वजह से उनके बीच में क्लैश हमेशा देखने को मिला है। इस वजह से अमेरिका इंडिया को ग्लोबल साउथ का लीडर देख रहा है। उसी के साथ साथ हमारी बढ़ती हुई इमर्जिंग इकोनॉमी और साथ साथ आर्मी और पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी और डेवलपमेंट देखते हुए अमेरिका इंडिया को अब आगे बढ़ते हुए देख रहा है। G20 में इंडिया की प्रेसिडेंसी डिक्लेयर हुई और उसके अंदर एक डिक्लेरेशन भी साइन हुआ। इस डिक्लेरेशन के अंदर रशिया ने जो यूक्रेन वॉर पे अटैक किया उसकी पूरी तरह से निंदा की जा रही है। यूएन के लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई भी कंट्री किसी कंट्री के लॉस को इफेक्ट करती है या फिर उस पर अटैक करती है तो उसको पूरी तरह से फोर्स बैक किया जाता है और न्यूक्लियर बम की धमकी बिल्कुल नहीं सही जाती। इस डिक्लेरेशन के अंदर रशिया और चाइना दोनों पूरी तरह से रिफ्यूज पे थे, यानी कि रशिया और चाइना के लीडर्स इस डिक्लेरेशन को रिफ्यूज कर रहे थे, बट रियल गेम इंडिया की तरफ से खेला गया। G20 के अंदर इस डिक्लेरेशन को साइन करवाया गया और इस प्रकार से रखा गया कि सारे देशों ने इसको साइन किया। जी हाँ, रशिया और चाइना ने भी। इस डिक्लेरेशन के अंदर मेन डिटेल्स वही थी, बस अलग फॉर्म में और अलग भाषा के अंदर। इंडिया वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल साउथ बन के निकल रहा है और उसका फेस भी, जिसकी वजह से ये डिक्लेरेशन माना जा रहा है बहुत बड़ी उपलब्धि। इसको देखते हुए रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने ये बताया कि उन्होंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि इस डिक्लेरेशन पे सारे देश मिलकर साइन कर सकते हैं या फिर अपनी सहमति जता सकते हैं। इंडिया G20 और UNSC वर्ल्ड की समिट्स है और ग्रुप्स भी। इंडिया वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट पॉपुलेशन बन चुका है। इंडिया में G20 समिट को लेकर पॉलिटिकली मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, यानी कि समिट को BJP या फिर उनकी तरफ से एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, और उसी के साथ साथ इलेक्शंस के अंदर भी इस मुद्दे को, इस समिट को यूज किया जा रहा है। रियलिटी में चीजें छुपाई गई हैं और बनावटी चीजें दिखाई गई हैं। जब तक हमारी इंटरनल खराबियां हटती नहीं तब तक इंडिया फुल्ली ग्रो नहीं करेगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में अभी तक इतना ही, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। आप देख रहे थे न्यूज़ 1 टुडे।